अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक स्वीट सी रेसिपी जिसका नाम है मैंगो मलाई रोल। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने दो यहाँ पर केसर मैंगो लिया है, इसको हमने क्यूब में काट लिया है। इसे हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ से एकदम पेस्ट रेडी करेंगे। अब हम इसे एक पैन में डालेंगे, गैस ऑन कर दिया हमने, गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखा है। इसे दो मिनट इस तरह चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, एक कप हमने भर के लिया है मिल्क पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसमें क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर खोया भी ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। हाफ कप इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा अवेलेबल ना हो तो आप नारियल के छोटे छोटे पीसेस काट कर आप मिक्सी जार में ग्राइंड कर सकते हैं। इस स्टेप पे आप इसे लगातार चलाएं और गैस की फ्लेम को लो कर दें। इसे बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये ठीक होने लगा है। मार्केट जैसा कलर लाने के लिए हम इसमें 1/4 हाफ टी स्पून के करीब कोट कलर ऐड करेंगे, इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप मीठे की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आप मीठा खाना पसंद करते हो। हमने इसमें 4 टीस्पून चीनी ऐड किया था क्योंकि हमारा मैंगो काफ़ी मीठा था, केसर मैंगो है। तो मीठा आप मैंगो पे भी डिपेंड करता है कि आपका मैंगो कितना मीठा है और खट्टा, आप उस हिसाब से चीनी ऐड करें। 1 टीस्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी डालने से पैन में जो भी बैटर लगा है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और एक डो बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितने ठीक होने लगा है। इसी तरह हम 2 मिनट और इसे पकाएंगे चलाते हुए। इस स्टेप पे हम इसे लगातार चलाएंगे। जब हम इस तरह से बनाएंगे ना तो लगेगा नहीं कि ये आप घर पर बनाए हैं, एकदम मार्केट का लुक आएगा। तो मैंगो का सीजन है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और जब भी बनाएं हमें कमेंट में भी बताएं कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। इसके पहले भी हमने मैंगो की कई सारी रेसिपी अपलोड की है, मैंगो जैम है, मैंगो फ्रूटी है, मैंगो जेली, कई सारे डिशेस हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देखिए। गर्मियों का मौसम है और ये सब ठंडी ठंडी चीज़ें बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं, तो आप इस तरह बनाकर स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग हमें इंस्टा पे भी फॉलो करिए, उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डो हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है और इसे चेक करने के लिए हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा इसमें से पोषण लेंगे और इसे हाथों पे इस तरह घुमाएंगे, एक अच्छा सा इसका बॉल रेडी हो जाए। उस स्टेप आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे हम डिसआउट कर लेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। पूरी तरह से हम इसे ठंडा नहीं करेंगे, ये थोड़ा गर्म है। डो हमारा उतना गर्म होना चाहिए कि हम हाथों से इस तरह कर सकें। आपके पास अगर फॉइल पेपर है तो आप उसके ऊपर रखिए और बेलन से अच्छी तरह से रोटी की तरह बेल लीजिए। हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है तो इसके लिए हमने इसे चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह बताया है आपको, ईजी तरीके से आप इस तरह कैसे बना सकते हैं। इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। हमने पिस्ता और बादाम लिया है। बेलन लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा घी लगाएंगे और रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से। इस तरह से आप चाहे तो इसे कोई भी कंटेनर में रखकर आप इसका स्क्वायर शेप भी काट सकते हैं। फिर हम बर्फी बनाते हैं उस तरह से। हम इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे,
इसकी कोरियों को हम इस तरह से उठाकर मोड़ेंगे, इसका हम रोल बनाएंगे और रोल आप एकदम टाइट बनाएं हल्के हाथों से। कितनी इजी तरीके से बन रहा है देखिए। हम दो तीन बार इसे घुमा लेंगे, इस भाग को हम इस तरह चिपका लेंगे फिंगर से, हल्के हाथों से करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए और एक घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो इसके ऊपर वो भी लगा लीजिए तो काफ़ी अच्छा लुक दिखेगा शाही मिठाई की तरह। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर एक घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे हुए, अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। हल्के हाथों से आप काटिए ताकि शेप बिगड़े नहीं। इसी तरह हम सभी पीसेस कट करेंगे। आप साइज अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसा आप काटना पसंद करते हो। तो देखा आपने कितना कम समय में और कितना इजी तरीके से मैंगो मिठाई रोल बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखा गाइस आपने कितना इजी तरीके से मैंगो मिठाई रोल बनकर रेडी हो चुका है, कितना प्यारा लुक दिख रहा है। इसका टेक्सचर देखिए एकदम सॉफ्ट है, इसकी पूरी लेयर निकलते जा रही है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर भी रख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रखकर 15 दिन आराम से खा सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं ये। इस तरह हम रखकर इसे फ्रिज में रख देंगे। गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो के आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।